नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी, और आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत सरकार द्वारा यमन में चलाए गए ऑपरेशन राहत की। जयदीप जी, इस पूरे ऑपरेशन को किस तरह देखते हैं आप? देखिए जाला जी, मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण अभियान था। इसमें हिंदुस्तान ने जिस तरीके से अपनी भूमिका निभाई है, वीके सिंह जो पहले सेनाध्यक्ष भी रह चुके हैं, अब मंत्री हैं, वो खुद वहाँ पर मौजूद रहे, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज खुद उसको देखती रहीं बहुत करीब से। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो अभियान है उसकी हम बात करेंगे विस्तार से। एक भारत में ये मानस बना हुआ है कि हमारी सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर पाती, कमज़ोर सरकार है। एक अमेरिकी नागरिक को दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी हो जाता है तो सरकार उसके लिए अपना बिल्कुल जी जान से जुट जाती है और दूसरी सरकारों पर दबाव बनाकर या किसी भी तरीके से उनको बचाकर लाने की कोशिश करती है। और कोई भारतीय नागरिक अगर बाहर मुश्किल में हो तो भारत सरकार लाचार नजर आती है, अपनी तरफ से बहुत एक्शन नहीं लेती है। मीडिया में हाइप होने के बाद, मीडिया में चर्चा होने के बाद कुछ कार्रवाई की जाती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस बार हुआ यह है कि मीडिया को बाद में पता चला कि वहां पर तकलीफ कितनी ज्यादा है, भारतीय कितने हैं, कितने भारतीय वहां फंसे हुए हैं, ये मीडिया में आए उसके पहले अभियान शुरू हो चुका था। जिस तरीके से 1 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में इस पूरे अभियान को चलाया गया, 5,000 से ज्यादा भारतीयों को वहां से बचाकर निकाला गया, 1,000 से ज्यादा विदेशियों को निकाला गया। आप देखिए कि अमेरिका में कुछ अधिकारियों ने यह तक कहा कि कोई अमेरिकी नागरिक अगर वहां फंसा है तो वो भारत के ऑपरेशन राहत की मदद से बाहर निकल सकता है। ये भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। वो इसलिए भी है कि भारत ने दिखा दिया है कि वो अपनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है, और जब कोई नेता खुद जाकर फील्ड में फ्रंट पे खड़ा होता है तो उससे क्या असर पड़ता है, ये भी हमें देखने को मिला। तो क्या इसमें अपन ये माने कि बीके सिंह चूंकि सेना में रहे हैं तो उसका फायदा इस अभियान में मिला है? जाहिर है, उन्होंने अपने साक्षात्कार में भी कहा है कि उनके सेना में होने का उनको फायदा मिला है, क्योंकि उनको पता है कि एक सेना किस तरीके से ऑपरेशन करती है। लेकिन उससे बड़ी बात जो उन्होंने अपने साक्षात्कार में वहां से और भारत लौटने के बाद भी कही है, वो ये कही है कि सेनाध्यक्ष होने का तो उन्हें फायदा मिला, पर इस पूरे ऑपरेशन में जिस तरीके से विदेश मंत्रालय ने, स्थानीय भारत सरकार के अन्य अधिकारियों ने, सेना ने, सेना में भी थल सेना ने, नौसेना ने, वायुसेना ने जिस तरीके से अपनी भूमिका निभाई है, खास तौर पर वायुसेना ने और थल सेना ने मिलकर जिस तरीके से अभियान चलाया है, वहाँ जमीन पर कुछ थे सैनिक, वायुसेना की 18 से ज्यादा उड़ानें इसमें शामिल रहीं जिसके जरिए लौटाया गया नागरिकों को, और वहां पर कुछ जो कुछ भी व्यवस्था से संबंधित दिक्कतें आईं उनको सुलझाने के लिए वीके सिंह जी खुद मौजूद थे। जैसे उन्होंने बताया कि कई बार ये हुआ कि उन्होंने उड़ान को उतारने की या वहां से उड़ने की हवाई अड्डे से यमन के अनुमति नहीं ली है, वो एंड टाइम पर अनुमति मिल जाए उसके लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ी। जहां से ईंधन भरवाना था भारतीय विमानों को, वहां पर पैसा ही जमा नहीं किया गया है इसलिए ईंधन नहीं भर पा रहा है। लेकिन इस सबको उन्होंने, इन रुकावटों को ऐसा कोई कारण नहीं बनने दिया जिसकी वजह से हम अपने नागरिकों को नहीं बचा पाए। उन्होंने बहुत अच्छी बात एक लौटने के बाद और कही कि उन्होंने कहा, जो नहीं आना चाहता उसका हम कुछ नहीं कर सकते, पर जो भी आना चाहता था वहां से उसको हम ले आए हैं। यहां तक कि 7 दिन की एक नवजात बच्ची को वहां से निकाल कर वो लाए, साथ ही साथ 30 साल से जो परिवार वहां रह रहा था उनको वो निकाल के लाए। मुझे लगता है कि एक भारत की बड़ी न केवल कामयाबी है पर जो संदेश पूरी दुनिया में गया है वो बहुत अच्छा गया है। लेकिन इस पूरे मामले में जो प्रेस्टिट्यूट शब्द है वो बहुत ज्यादा चर्चा पा गया, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और एक इस पूरे अभियान पर दाग लगाने वाला जैसा मौका आया, जिसमें कि वीके सिंह जी ने जो बयान मीडिया को लेकर दिया वो चर्चा का विषय बना। जाहिर तौर पर जो उन्होंने कहा था प्रेस्टिट्यूट, वो एक ऐसा शब्द था जिसने मीडिया के कई लोगों को का गुस्सा भड़काया। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जो वीके सिंह जी ने कहा है मीडिया को वो सही कहा है, क्योंकि मीडिया में सारे ही लोग खराब नहीं है। मीडिया के ऊपर लगातार पिछले 5 सालों में हम देखें खास तौर पर तो बहुत उंगलियां उठी हैं, और उसके लिए मैं मानता हूं कि मीडिया के ही लोग, मीडिया के ही घराने जिम्मेदार भी हैं। मीडिया पर उंगली उठी है तो उसके कारण भी हैं। लेकिन मैं वीके सिंह जी से यह भी कहना चाहता हूं कि जितनी उंगली उन्होंने मीडिया की तरफ उठाई है उससे ज्यादा उंगलियां मीडिया ने भी खुद अपनी तरफ उठाई हैं। मीडिया ने आत्ममंथन का ऐसा दौर चलाया है जहां पर समझने की कोशिश की है कि वो मीडिया जो इतने सम्मान की निगाह से देखा जाता था उसको क्या हुआ, उसके कारण है। वो कारण इस वक्त बहस का विषय नहीं है, लेकिन जिस शब्द का इस्तेमाल वीके सिंह जी ने किया उससे उन्हें बचना चाहिए था। अगर लेकिन उन्हें मीडिया की कोई बात खराब लगी थी तो उनको कहने का हक है। मीडिया को यह नहीं समझना चाहिए कि सब कुछ कहने, जानने, समझने, बोलने का अधिकार मीडिया के ही पास है। अगर मीडिया अपनी अदालत चलाकर लोगों को कटघरे में खड़ा कर सजा देने की भूमिका निभाने में आ गया है तो मीडिया पर उंगलियां उठेंगी, और मीडिया पर उठने वाली ये उंगलियां उसे चिंतन के लिए मजबूर करती हैं। मीडिया पर उठने वाली उंगलियां अगर उसमें बदलाव की चाहत लेकर आती हैं तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन केवल मीडिया को कोसने या मीडिया की वजह से उनको
अपनी कोई व्यक्तिगत तकलीफ हुई है उसके लिए है, क्योंकि कई लोग मीडिया पर इसलिए भी उंगली उठाते क्योंकि उनका जो सुख था वो छीन गया मीडिया की वजह से, उनके जो पाप थे वो सामने आए, उनके गलत कारनामे सामने आए। तो मीडिया से नाराज रहने वाले लोगों का एक दो वर्ग है। एक वर्ग वो है जिनको लगता है कि उनके जो कारनामे चुपचाप चल रहे थे, जो गलत काम वो कर रहे थे, वो मीडिया की वजह से सामने आए हैं। उनकी नाराजगी तो समझी जा सकती है, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। मीडिया इसका मतलब यह है कि अपनी भूमिका कुछ ज्यादा ही अच्छे से निभा रहा है। एक वर्ग वो है जिसे लगता है कि मीडिया कहीं ना कहीं अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघ रहा है, मीडिया को अपनी मर्यादा खुद तय करनी चाहिए, ऐसी कोई संस्था या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो मीडिया को यह बताए कि उन्हें क्या छापना है और क्या नहीं। जैसे समुद्र अपनी मर्यादा खुद तय करता है, वैसे मीडिया को भी अपनी मर्यादा खुद तय करनी चाहिए, यह मैं मानता हूं। दिलीप जी, एक बात और कही जा रही कि सरकार इस पूरे मामले में क्रेडिट नहीं ले पाई। ये एक भारत की शुरुआत से कमजोरी रही है कि जब हम खराब काम करते हैं तो हमें बहुत ताने मिलते हैं, गालियां मिलती हैं, लेकिन जब हम अच्छा काम करते हैं तो उसका ढोल नगाड़ा बजाकर वैसा शोर नहीं कर पाते जैसा होना चाहिए। खासतौर पर मोदी जी की जो सरकार है ये तो बेहतर तरीके से प्रचार के लिए जानी जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि कुछ कम प्रचार हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है लोगों की। आज मैं जैसे आपसे कहूंगा, सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है। जो मुख्य धारा के मीडिया में खबरें जगह नहीं पाती, तवज्जो आप देखिए कि किस तरह से फेसबुक पर और ट्विटर पर लोगों ने इस अभियान की सराहना की है। वीके सिंह जी की और सुषमा स्वराज की भूमिका की उन्होंने तारीफ की है, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने वीके सिंह जी की पीठ ठोंकी है, और लोगों ने जिस तरह के कमेंट्स किए हैं उससे भावनाएं सतह पर आ जाती हैं। लोगों से आजकल छुप कुछ नहीं पाता, मीडिया उसको उतनी तवज्जो दे या न दे। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मीडिया ने तवज्जो नहीं दी है, देर से ही सही, लेकिन मीडिया ने इस पूरे अभियान की अहमियत को समझा और उसको सामने लाया। 5000 लोगों को यूं सुरक्षित बचाकर निकालना, इनक्यूबेटर में रखी हुई एक कांच के शीशे के उसमें रखी हुई एक बच्ची की जो तस्वीर है वो सब कुछ कह देती है कि कितनी सावधानी के साथ, कितनी अहमियत देते हुए इस अभियान को चलाया गया। भारतीय लोगों की जान की अहमियत है, भारत का नागरिक जो है वो जहां भी है भारत सरकार उसको लेकर चिंतित है। मुझे लगता है इसी तरह की चिंता देश के भीतर भी यदि हम करें कि हर नागरिक को लेकर हमें चिंता है, हर नागरिक का हमें ख्याल है, तो ये सरकार अपनी छवि और बेहतर कर पाएगी। प्रचार शायद थोड़ा और किया जा सकता था, लेकिन आप देखिए बीबीसी ने भारत सरकार की बहुत तारीफ की है। बीबीसी ने अपनी लिंक पर जिस तरीके से भारत सरकार को शाबाशी दी है, उस खबर को खुद सुषमा स्वराज जी ने ट्वीट भी किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने तो तारीफ की है भारत की, और भारत के मीडिया ने भी। जब सारे लोग वापस आए हैं तब वीके सिंह जी के साक्षात्कार और बाकी अन्य खबरों के जरिए ये बात सामने लाने की कोशिश की है कि ऑपरेशन राहत कितनी अच्छे से चलाया गया। धन्यवाद जदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे यमन में चलाए ऑपरेशन राहत की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।